नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे सिजेंटा कंपनी की एविसेंट इंसेक्टिसाइड के बारे में। ये इंसेक्टिसाइड कितना कामयाब है हमारी फसलों के ऊपर, और साथ ही बात करेंगे इसके अंदर जो एक नई टेक्नोलॉजी सिजेंटा कंपनी द्वारा दी गई है जो कि पेटेंट है, विजिक जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है, और साथ ही हम बात करेंगे कि ये कौन से जो हमारे तनाछेदक या फिर जो सुंडी है उनको किस स्टेज के ऊपर ख़त्म करता है, कितना इसका मूल्य है और क्या इसकी डोज है। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर टेक्निकल क्या है। तो एविसेंट के अंदर जो टेक्निकल पाया जाता है वो अपना इमामेक्टिन 5% प्लस लुफेनिरोन 40% WG जो कि एक दानेदार फॉर्म है। इमामेक्टिन का मतलब आप समझते हो कि जो सिजेंटा कंपनी की आती है नाम से प्रोक्लेम, इसके अंदर प्रोक्लेम दी हुई है, साथ में जो लुफेनिरोन जो टेक्निकल दिया है अक्सर वो वेटरनरी लाइन के अंदर यूज होता है, यानी कि जो पशुओं के अंदर जो पिसू वगैरह लगते हैं उन्हें मारने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है टेक्निकल, अंडे की हैचिंग को रोकता है, यानी कि जब अंडे से बच्चा निकलता है तो वो बच्चे निकलने की जो प्रक्रिया है उसको ये रोक देता है। दूसरा अपना जो इमामेक्टिन है वो क्या करता है कि जो अडल्ट होता है या फिर लार्वा वगैरह इसको ये आसानी से मार देता है। हमारे जो अडल्ट फॉर्म होती है यानी कि जब कोई भी जैसे कि तनाछेदक अगर वो अपना लाइफ साइकिल पूरा बना लेती है तो अडल्ट को ये नहीं मारती, बाकी जितने भी स्टेज है वहाँ पर लुफेनिरोन जो टेक्निकल है वो अच्छी तरीके से काम करता है। एविसेंट का प्रयोग हम सभी प्रकार की फसलों के ऊपर आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये हर एक फसल के लिए एलिजिबल है। किसान साथियों, हमारी जो मुख्य समस्या रहती है वो ये है कि तनाछेदक को हम आमतौर पर कंट्रोल बड़ा ही मुश्किल तरीके से कर पाते हैं क्योंकि हमारी जो तनाछेदक यानी कि जो सुंडी है वो उसके अंदर इतनी रेजिस्टेंस पावर आ चुकी है कि वो हर प्रकार का जो जहर है उसके अनुकूल जी लेती है। इसलिए क्या है कि इन्होंने एक नया टेक्निकल का कम्बिनेशन बना के दिया है ताकि उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है उसको ख़त्म कर दे। और साथ ही आपको बता दूं कि सिजेंटा द्वारा इस दवाई के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी दी गई है जिसका नाम है विजिक। विजिक का मतलब ये होता है कि हमारे बाकी के जितनी भी दवाइयां हैं उनका जो भी टेक्निकल है वो हमारी जो सूर्य की यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उनके संपर्क में आने के बाद उनका जो रिजल्ट है वो कम हो जाता है। तो इसके अंदर उन्होंने एक विजिक टेक्नोलॉजी दी है। उस टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो भी टेक्निकल है टेक्निकल के ऊपर एक कवच चढ़ा होता है जो क्या करता है कि हमारी जो सूर्य की यूवी किरणें हैं उनसे उस जहर को बचाता है ताकि उस जहर का जो असर है वो प्रॉपर बना रहे। कई बार मान के चलिए अगर कोई भी जहर है उसकी 20% मात्रा है तो वो क्या कि अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आके उसकी जो कैपेसिटी है वो करीबन 15 से लेकर 14% रह जाती है, यानी कि 5-6% घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन एविसेंट के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी दी गई है ताकि यूवी से जो टेक्निकल है उसको बचाया जा सके। साथ ही इसके अंदर एक पेप्टाइड टेक्नोलॉजी भी दी गई है। पेप्टाइड का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी दानेदार चीज़ को गोलना चाहते हो तो वो गोलना बड़ा मुश्किल होती है, लेकिन एविसेंट दानेदार फॉर्म में है फिर भी अगर आप इसे पानी के अंदर डालते हो तो ये तुरंत पानी में घुल जाता है, ऐसा लगता है मानो कि आपने लिक्विड फॉर्म को पानी के अंदर गोला हो। अब बात कर लेते हैं इसके मूल्य और डोज की। किसान साथियों, इसकी जो डोज है वो अपनी 24 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे हर प्रकार की जो फसल है उसके अंदर यूज कर सकते हो, हर तरह की जो तनाछेदक है उसकी रोकथाम करने के लिए। किसान साथियों, 24 ग्राम का जो मूल्य है यानी कि प्रति एकड़ का जो खर्चा है वो करीबन 830 रुपये से लेके 850 यानी कि 850 रुपये आ जाता है। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको समझा चुकी है। अगर फिर भी लगे कि आपको कुछ अन्य इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कृपया करके आप नीचे कमेंट करें, वहाँ पर भी आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद किसान साथियों।